वियतनाम युद्ध के दौरान, कोरिया युद्ध, भारत चीन और भारत पाक युद्ध के दौरान इन बहादुर लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है। भारतीय सेना में डॉग को 1907 में शामिल किया गया। सेना के डॉग का प्रजनन, पालन पोषण और प्रशिक्षण आरबीसी फैमिली कॉलेज एयर कैंप में किया जाता है। आर्मी डॉग ने मिलिट्री ऑपरेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और एरिया सैनिटाइजेशन में अपनी काबिलियत हासिल की है। सेना के डॉग की वीरता और सकारात्मक आज्ञाकारिता, सफलता, धीरज और परिचालन में क्षमताओं का मिश्रण है। बहादुर सेना के डॉग अब अपने संचालकों द्वारा सिखाए गए बुनियादी आज्ञाकारिता का प्रदर्शन करेंगे। जो ट्रैकिंग में प्रशिक्षित है और उनके साथ है हैंडलर सफेदा जी के गोस्वामी। दूसरे नंबर पर है आर्मी डॉग ब्रिटी। आदेश दिया जाएगा तब अपने शालीनता और शिष्टाचार के साथ वो बैठने की क्रिया दिखाएंगे। बैठने के इशारे के साथ ही अब उन्हें लेटने का इशारा किया जाएगा तो लेट जाएंगे। और अगले आदेश पर ही हैंडलर के इशारे पर बैठकर अगले आदेश के लिए तैयार हो जाएंगे। अपने मास्टर के आदेश के अनुसार साइड रोल और उसके साथ ट्रॉली का प्रदर्शन दिखाएगी। कितनी शालीनता और शिष्टाचार के साथ आर्मी डॉग रेडी अपने अनुभव का, अपनी प्रतिष्ठा का परिचय दे रही है। देवियों और सज्जनों, ऑप्टिकल क्लियरेंस के लिए कमर कस रहे हैं। ये सभी लोग अपना साहस दिखाने के लिए विभिन्न बाधाओं, श्रम और आर्मी डॉग कदम तेजी बहुत तेजी रखते हैं और जल्दी से बाधाओं को पार करने का उनको विश्वास है कि सभी बाधाएं जल्दी से जल्दी पार कर रहे हैं। ट्रेनिंग का नमूना पेश करेंगे। सेना के डॉग को बाधाओं का प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है कि ये ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की बाधाओं के दृढ़ता और सहन शक्ति का परीक्षण करता है। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि तालियों के साथ उनका उत्साह मदद करें। आदमी गर्व को देगा और अपने जहन में धन को बचा लेगा। उस धन की मेमोरी के बेस पे वो अपराधी को ट्रैक करेगा और उसको पकड़ लेगा। डॉग का सबसे बड़ा अभ्यास उसकी सूंघने की शक्ति होती है जो इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। ये भी और क्या आता है, ये हॉस्टेज सिचुएशन, रूम इंटरवेंशन, अटॉर्नी और मॉब कंट्रोल आदि उपयोगी है। आप देख सकते हैं कि आदमी डॉग अपने हैंडल के साथ कितने नियंत्रण समन्वय में बिना पकड़ने के चल रहा है। डॉग को सेना के ऑपरेशन में, हॉस्टेज आदि के निवारण में यूज किया जा रहा है। ये मास्टर के चलने के साथ उनकी कदम के साथ कदम मिला के किसी भी सिचुएशन में बगैर किसी आवाज दिए हुए कहीं भी जा सकते हैं। अपने मास्टर के आदेश पर ये किसी भी अपराधी पर अटैक कर सकते हैं। एक बार अपराधी को पकड़ लिया तो मास्टर के आदेश के बगैर वो इस ड्रॉप से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। अपनी कड़ी मेहनत और कार्यदक्षता और कामकाजी प्रशिक्षण की मदद से भारतीय सेना के ड्रॉप ने कई मुकाम हासिल किए हैं। आर्मी की कोर के आर्मी डॉग को और उनके हैंडलर को एक शौर्य चक्र, एक सेना मेडल, एक ट्रॉफी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, 30 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, 430 तालियों के साथ स्वागत करेंगे। खतरनाक तरीके से आर्मी डॉग ने
पकड़ लिया है, कितना भी छोड़िए नहीं छोड़ेगा। तो गिराकर गिरा करने के लिए मार हासिल करते और के साथ स्वागत करिए। मुस्कुराना है तो हमेशा ऐसे मुस्कुराइए कि चमक में बाहर आ जाए। तिरंगे जवान एक बार फिर से सभी का धन्यवाद और अभिनंदन कर रहे हैं।